जो आज का इस मुकाम को हासिल करने के लिए। ग्रामीण परिवेश से होने की वजह से जर्नी काफ़ी कठिन रही। मेरे गांव में ऐसी सोच थी कि लोग पापा को मना करते थे कि आप लड़कियों को क्यों इतना पढ़ाते हैं, लेकिन पापा मेरे किसी की नहीं सुने और मुझे हमेशा आगे बढ़ाए। घर वालों में और किन-किन का सपोर्ट मिला आपको? मम्मी का, बहन का, भाई का, मेरे दादाजी का और बड़े पापा बड़ी मम्मी का बहुत सहयोग मिला। रहने के साथ साथ अपने कोचिंग की बात कर लें तो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में तो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं नहीं, फिर आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने बताया कि मैं पिछले 6 सालों से बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और मैंने सारी तैयारी अपने घर पर ही मैंने पूरी की है, इसलिए मैं कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाई। मैंने ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल किया पढ़ाई करने के लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग उससे मैं अपनी चीज़ें निकालती थी, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको मैं निकाल के पढ़ती थी। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लड़कियों को मेरा मैसेज रहेगा कि वो किसी से कम ना समझें, वो अपने मन में ये ना लाएं कि हम ग्रामीण परिवेश से हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बड़े शहरों की लड़कियां करती हैं। बस गार्जियन को थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है और लड़कियों को थोड़ा लगन लगा के और अपने अंदर आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत है। टॉप 10 में बात कर लें, 8 लड़कियों ने बाजी मारा है, 2 लड़के हैं बस, किस तरह का मैसेज जाएगा इसे? ये रिज़ल्ट देखना बहुत ही सुखद रहा कि लड़कियां आगे आ रही हैं और लड़कियों ने टॉप 10 में 8 स्थान लड़कियों ने प्राप्त किया है।